मैं ऐसी सरकार चला रहा हूं अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं जो उसे बताओ अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं तो मेरे बहनों और भाइयों हमारे भगत सिंह नेताओं को देख रहे आप बलिहार वाले चिंता मत करो भगत बलिहार को जिला बनाने का परीक्षण करवा रहा हूं कौन कौन मिलेगा उसके हिसाब से फैसला हमारे भाव तो कहते हैं राम कुशल तिवारी एक एक चीज मैंने पूरी कर दी और रमेश को मैं इसलिए बधाई दूंगा जो भक्त कुमार इतना से उसने सेवा किया काम किया है रमेश मैं हूं तुम्हारी चिंता करूंगा चिंता मत कर राजकुमार की यहां पे राजकुमार का आशीर्वाद है ना और फिर बात करना रमेश ये मेरा वचन है मैं इससे राजकुमार से उम्मीद तुम्हें लेके जाऊंगा ये मेरा वचन है जीता हूं उनको स्वीकार करना चाहिए यह अपना परिवार अपना भारतीय जनता पार्टी और मैं तुम्हारा भाई चिंता मत कर मिलकर हम लोग सब साथ चलेंगे गौरव है क्या ये गौरव पिछले बार गौरव को मैं रोकने गया था कि मत लड़ गौरव क्योंकि एक ऐसी घटना हुई थी जिसने मुझे अंदर तक आहत किया था कांग्रेस का एक उम्मीदवार मैंने तय किया था किसी भी कीमत पर हारना चाहिए वो और इसलिए गौरव मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ तुम लोग समय मेरी बात मानी थी यह अलग बात है हमारे भाई बड़ी लोग भी थे वो जीत के आए लेकिन पूरी राज्यपाल ने भी मेरा साथ दिया सरकार बनने के बाद पूरी प्रमाणिकता के साथ प्रदीप हमारे साथ खड़े रहे हर परिस्थिति में और सरकार का साथ दिया और इसलिए और अब भाव को अपनी नेता है देखो एक बात और मैं बताऊ एक बात और सुनो मैंने ये भी तय किया था कि भाव को तो मंत्री बनाऊंगा भाव मंत्री है पूरा सम्मान भाव पार्टी के लिए आपने बहुत काम किया है पार्टी के विस्तार में पार्टी को आगे बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन आप मुझे भारत भाग में बहन जी की हमारी कथी है सारे पंचायत से लेके सारा पुरुष नेतृत्व हमारा बैठा है आपने आप काम किया है मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ सबकी चिंता भी करूंगा मौसम भी बहुत अच्छा काम कर रही है मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो आशीर्वाद ले लीजिएगा एक बार फिर से जो ये सबका आशीर्वाद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे मोदी जी को आशीर्वाद देंगे मामा को भी आशीर्वाद देंगे और हमारे गौरव भगत रामकिशोर इन सबको भी आशीर्वाद देंगे अभी तो घोषित नहीं है इसे घोषित होने के बाद मानवा ने जो है बना नहीं सब करेंगे यहाँ पे तो आप सबका आशीर्वाद मिले और ये भाव जी को दिन है कि मान के नहीं फिरवा के आगे मुझे ज्यादा कुछ मेडिकल कॉलेज के लोग कुछ लेना होगा और फिर भी आगे बढ़ा लेकिन जब जनता की सेवा का जज्बा होता है तो बालाघाट विधानसभा में जनसंख्या की उपलब्धता के आधार पर गांव में जब मिलना की सहमति देने को भरपेली तुलसीराम लाल बल्ला को नगर परिषद बनाया जाएगा लाल बल्ला में नया बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर सरकार हमने को फिर अपनी आएगी जनता मतलब और ये तो गांव का नाम बदलने की बात कही लैंडे भैली का नाम बदलकर तुलसीधाम कर दिया जाएगा डोहर होली का नाम बदलकर आनंदपुर किया जाएगा और हमारे महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अभी सरकार को बनेगा नहीं बदलने में थोड़ी बन जा रहे हैं बोल रहे अगली सरकार को बनेगा अगली सरकार हमारी बनेगी तो फिर ये बालाघाट में इस
कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। एक बार मेरे साथ तुमने समय में जाने का होगा, हमें आशीर्वाद देने के लिए, भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े, दोनों मुट्ठी बांध के हम भारत माता की जय बोलते, हमें आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमने मेरा वचन है, यदि हर सांस चलेगी तो आपके लिए चलेगी, मध्य प्रदेश की जनता के लिए चलेगी, जीवना तो आपके लिए, भारत निर्माण का प्रारंभ मंदिरा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।